बिहार के फतुहा विधानसभा अंतर्गत महोली गांव निवासी रामनाथ सिंह की मौत पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से हो गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपनी पार्टी की ओर से 25,000 रुपये की आर्थिक मदद की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जाप अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को नेताओं और सरकारी पदाधिकारियों का ब्लड टेस्ट कराकर ये पता लगाना चाहिए कि कौन कौन शराब पी रहा है। बिहार में बेलगाम हो चुके शराब माफियाओं पर पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता शराब माफियाओं को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनको शराब माफियाओं से पैसा मिल रहा है, तो वहीं विपक्षी नेता इसलिए खामोश हैं क्योंकि वे भी इनमें सम्मिलित हैं और बराबर के भागीदार हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं और अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जहरीली शराब पीने से रामनाथ सिंह की हुई मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे मामले में कार्रवाई करने के लिए सरकार को और कितनी लाशें चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का पूरा पुलिस महकमा शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 महीने के सीमा का निर्धारण कर बिहार में शराब की तस्करी पर रोक लगाएं या फिर पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दें। हो रहा है कोलैप्स है पूरा बिहार, उस पर दोनों चर्चा नहीं करेंगे। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी जांच होगी, क्या शराब माफिया नेता और पदाधिकारी की संपत्ति जब्त होगा, क्या एमएलए एमपी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के ब्लड का सैंपल का जांच होगा 3 महीने के अंदर, कौन दारू पिया है कौन नहीं पिया है, और जो नेता एमएलए एमपी मंत्री और पदाधिकारी दारू पिए हो क्या वो बर्खास्त होंगे, क्या उनकी सदस्यता जाएगी, उन पर एफआईआर होगा। सबसे पहले आप एफआईआर कीजिए उन नेताओं पर जो जनप्रतिनिधि है और उन पदाधिकारी पर जो आपके एक्ट के खिलाफ है। वो कह देगा मैं बाहर पी के आया, तो जो दारू पीते हैं वो दारू बंद करने या दारू के माफिया के खिलाफ कैसे बात कर। विपक्ष इसीलिए मौन है, सत्ता पक्ष तो चलिए माफियाओं से पैसा आ रहा, विपक्ष इसीलिए मौन है कि उनके लगभग एमएलए और उनके नेता शराब में शाहजीपुर और जगह इन्वॉल्व है। 25 लाख रुपए की मुआवजा दे, इंक्वायरी करे कि शराब यहाँ कहाँ कहाँ मिल रही, बन रही है। मौली में इस इलाके में धड़ल्ले शराब बिक रहा है और आम लोग, 2 लोग अभी मर चुके हैं। हम एफआईआर लॉन्च करने की मांग करते हैं और साथ साथ पटना के इर्द गिर्द जितने शराब माफिया फल फूल रहा है उसके धंधे को समाप्त करने की मांग करते हैं, और पुलिस महकमा जो पूरा का पूरा शराब माफिया को संरक्षण दे रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। जन अधिकार पार्टी की ओर से 20,000 रुपया मदद की गई है। जरूरत होगी तो इनके दोनों बच्ची की शादी में पप्पू यादव 25,000 रुपया मदद करें।